हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज का दोस्तों जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम ब्लेड इफिशियंसी फॉर एन इम्पल्स टर्बाइन। इफिशियंसी मैक्सिमम इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा। गला दोस्तों थोड़ा मेरा ठीक नहीं है, बट आपका एग्जाम है इसलिए मैं थोड़ा कोशिश करूंगा कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए आवाज। ठीक है, तो बात करते हैं कि हमारा जो मैक्सिमम ब्लेड इफिशियंसी होती है टर्बाइन में, इम्पल्स टर्बाइन में, वह कितनी होती है। एन मैक्सिमम इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा होता है। ठीक है, ये हमें 10 नंबर में एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, और ये प्रूव करने के लिए आता है। ये आपको क्या करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि ब्लेड की जो मैक्सिमम इफिशियंसी है वो कॉट स्क्वायर अल्फा होती है। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो पहली चीज हमें दोस्तों यहां पता क्या होना चाहिए कि ब्लेड इफिशियंसी क्या होती है। ठीक है, जो हमारी ब्लेड इफिशियंसी है वह क्या होती है। तो ब्लेड इफिशियंसी हमारा क्या होता है, रेशियो होता है। ठीक है, किसका रेशियो होगा, वर्क डन बाई ब्लेड। भाई कितना वर्क डन हो रहा है ब्लेड के द्वारा और हमारी कितनी एनर्जी सप्लाई हो रही है, एनर्जी सप्लाई, एनर्जी सप्लाइड बाई स्टीम। ओके, ये क्या होता है, हमारा रेशियो होता है किसका, ब्लेड इफिशियंसी का। अब देखो जो हमारा ये फॉर्मूला निकल के आता है वर्क डन बाई ब्लेड और एनर्जी सप्लाइड बाई स्टीम का, मैं डायरेक्टली इफिशियंसी का फॉर्मूला लिख देता हूं यहां आपको। जो इफिशियंसी का हमारा फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है टू वी डब्ल्यू आई एंड वी बी अपान वी आई स्क्वायर। अब ये वी डब्ल्यू आई क्या है, वी बी क्या है एंड वी आई स्क्वायर क्या है, अभी हम देखेंगे कि ये क्या चीज होता है, क्या टर्म है इसका। ठीक है, तो ये नॉर्मली फॉर्मूला होता है दोस्तों ब्लेड इफिशियंसी का। स्टार्टिंग हमें यहीं से करना है कि ब्लेड इफिशियंसी पहले हमारी क्या होती है, इसी के हेल्प से हम क्या करेंगे, मैक्सिमम ब्लेड इफिशियंसी को फाइंड करेंगे। तो पहले हमें पता होना चाहिए दोस्तों वेलोसिटी ट्रायंगल के बारे में। वेलोसिटी ट्रायंगल के बारे में इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि अगर आप वेलोसिटी ट्रायंगल आपको आता है तो इजिली आप क्या करेंगे, सॉल्व कर पाएंगे। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, थोड़ा वीडियो दोस्तों लंबा होगा बट आपको इजिली समझ में आएगा, दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी आपके टॉपिक में। तो पहले देखते हैं वेलोसिटी ट्रायंगल क्या होता है। देखो हमारी ब्लेड क्या होती है, कुछ इस तरीके से बनी होती है, इस तरीके से। ठीक है, ये हमारी क्या, एक तरीके से हमारी क्या है, ब्लेड है। अब देखो, अब जो हमारा स्ट्रीम आएगा यानी इस तरीके से इनलेट होगा, ब्लेड पे टकराएगा इस तरीके से। मैंने मान लिया जो हमारी ये वेलोसिटी आ रही है, दिस इज द वी आई, इनलेट वेलोसिटी है। ठीक है, ये हमारी क्या है, इनलेट वेलोसिटी है। अब ये जो इनलेट वेलोसिटी है, अब ये जहां से आ रही है इसका जो हॉरिजेंटल यहां से जो एंगल बनेगा वो हमारा एंगल क्या हो जाएगा, अल्फा है। ओके, अब इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा यानी यहां से जो जुड़ेगा वर्टिकल कंपोनेंट इसका जो है वो है वी एफ आई। जो हमारा वी डब्ल्यू आई ए एफ आई, इसे हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ फ्लो। अब हमें भी क्या, किसकी बात कर रहे हैं, इनलेट की बात कर रहे हैं। ये क्या है, वी एफ आई क्या है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो है। ठीक है, अब जब ये इस तरीके से मूव कर रहा है तो एक इसमें क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी होगी। यह रिलेटिव वेलोसिटी इस तरीके से है, ये बीच में जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी है इसका। जो रिलेटिव वेलोसिटी, उसको मैंने वी आर आई से डिनोट किया। जो वेलोसिटी एंगल हमारा बना रही है, वी आर आई जो हमारा एंगल बना रहा है वह एंगल हमारा कितना है, थीटा है। और यहां से जो यहां तक की डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड द व्रिल वेलोसिटी, वी डब्ल्यू आई। इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। अभी हमारी स्टीम क्या है, ब्लेड से इस तरीके से टकरा रही है। अगर हम बात करें इनलेट की, इनलेट की, अभी हम सारी बात इनलेट की लिख कर रहे हैं, तो हमारा जो वी आई है इसे हम एब्सोल्यूट वेलोसिटी भी कहते हैं या फिर इनलेट वेलोसिटी कहते हैं। तो मैं लिख देता हूं ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी है। ठीक है, ये हमारा एब्सोल्यूट वेलोसिटी है। और हमारा जो अल्फा है, दिस इज का नोजल एंगल, क्योंकि ये हमारा क्या है, नोजल एंगल है, इस पॉइंट से टकरा रहा है ब्लेड से। ठीक है, ये हमारा क्या है, नोजल एंगल है, ये हमारा क्या है, नोजल एंगल है। ठीक है, अब हमारा जो वी डब्ल्यू आई है, वी डब्ल्यू आई क्या है, रिल वेलोसिटी है, ये मैं आपको लिख देता हूं। ये सारी चीजें भी हम किसकी बात कर रहे हैं, इनलेट की बात कर रहे हैं। बार बार नहीं लिख रहा हूं इसलिए मैंने यही लिख दिया, ये इनलेट की बात कर रहे हैं हम। और हमारा जो वी एफ आई है, ये जो हमारा हॉरिजेंटल से कनेक्ट हो रहा है, ये हमारा क्या है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो है। ठीक है, क्या है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो। और हमारा जो वी आर आई है, दिस इज कॉल्ड द रिलेटिव वेलोसिटी। ओके, ये हमारा क्या है,
रिलेटिव वेलोसिटी है, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई होगी आपको। अब देखो ये जब यहां से टकराएगा इस ब्लेड से तो क्या होगा, आउट भी होगा। मैंने मान लिया भाई इस तरीके से, फिर ये आउट हो रही है वेलोसिटी, ठीक है। अब ये जो आउट हो रही है, दिस इज वी आई एंड दिस इज वी ओ। वी ओ मतलब आउटलेट वेलोसिटी। ये इनलेट की बात किया था मैंने, लिख दिया यहां पे आउटलेट की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। जब हमारी जो वाटर से टकराने के बाद क्या, जो आउट हो रहा है, अब ये जो है, अब यहां से भी क्या होगा, एक एंगल बनेगा, हॉरिजॉन्टल मतलब क्रिएट होगा, और ये हमारा क्या होगा, एक बेस पॉइंट होगा, ठीक है। अब ये जो एंगल बन रहा है इसके साथ जो हॉरिजॉन्टल अटैच हो रहा है, दिस इज वी एफ ओ आउटलेट के लिए। जैसे इनलेट के लिए हमने लिखा है, इस तरह हम आउटलेट के लिए भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। ये चीज आप कर लेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये जो हमारा एंगल इसके साथ बनेगा, दिस इज द बीटा। अब देखो ये जो हमारी रिलेटिव वेलोसिटी है ना, अभी क्या होता है, एक तरीके से यहां पे एक्सपेंड होती है वेलोसिटी हमारी, तो यहां पे जो हमारी रिलेटिव वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर जाती है, और ये रिलेटिव वेलोसिटी हमारी बन जाती है फाई एंगल हमने मान लिया, और ये हमारा हो गया वी आर ओ, ठीक है। और जो इसका रियल वेलोसिटी है, दिस इज यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस एक तरीके से वी डब्ल्यू ओ, ठीक है। इतनी बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, यहां से आपको कोई भी डाउट नहीं है, ओके। अब यहां को समझने के बाद हमें करना क्या है, इसका एक तरीके से हमें क्या करना है, वेलोसिटी पूरा डायग्राम बनाना है। ये हमारा वेलोसिटी एक तरीके से ट्रायंगल था, वेलोसिटी डायग्राम यहां पे समझते हैं ताकि आपको और भी चीज क्या हो जाएगी, इजिली क्लियर होगी। अब देखो इसी चीज को मैं क्या कर रहा हूं, एक वेलोसिटी ट्रायंगल बना रहा हूं। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो समझ लो आधा क्वेश्चन आपका हल सॉल्व हो गया है। अब देखो यहां पे क्या है, एक ये हमारा इनलेट के लिए है, सॉरी ये इनलेट के लिए है, ये हमारा क्या है, आउटलेट है, ठीक है। अब देखो इसी तरीके से इसको हम बनाते हैं कुछ डायग्राम को, तो मैं भाई एक इनलेट के लिए बनाता हूं, एक आउटलेट के लिए। पहले मैंने क्या किया, ये इनलेट के लिए इस तरीके से बनाया, ये हमारा क्या है, एक तरीके से इनलेट के लिए। अब और ये इस तरीके से बनेगा, अभी आपको समझ में आएगा, एक मिनट पहले मैं बना देता हूं थोड़ा सा। अब देखो ये क्या है, मैंने मान लिया ये हमारा क्या है, वी एफ आई है, जो हमारा वेलोसिटी ऑफ द फ्लो है इनलेट के लिए, ओके। और ये जो मेरा इंडिकेट कर रहा है, ये वाली जो लाइन है ये है वी आर आई, यानी रिलेटिव वेलोसिटी है, ये मेरी क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी है। और ये हमारी क्या है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी, दिस इज वी आई। अब देखो जो वी आर आई के साथ कितना बन रहा है हमारा, थीटा बन रहा है ना, थीटा रिलेटिव वेलोसिटी के साथ, रिलेटिव वेलोसिटी के साथ, दिस इज द थीटा, ओके। अब जो वी वन के साथ हमारा एंगल बन रहा है, दिस इज द अल्फा, और दिस इज द अल्फा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ये हमारा एक तरीके से हमारा हो गया इनलेट के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं आउटलेट के लिए, आउटलेट का हमारा क्या है, ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपाउंड दिख रहा है वी एफ ओ, आउटलेट वेलोसिटी हमारी हो गई, ओके। अब क्या है, यहां पे भी देखो क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी है और यहां पे रियल वेलोसिटी है, तो यहां पे जो हमारा वी डब्ल्यू है, दिस इज वी एंड डब्ल्यू, वी डब्ल्यू ओ हो गया हमारा पे, ये यहां पे, ओके। और ये जो दोनों